पारिवारिक संबंध रखने वाली महिला ने अपहरण का बिछाया जाल। मुरादाबाद जनपद के थाना दिलारी क्षेत्र में उस दम हड़कंप मच गया जब एक महिला ने अपने ही पारिवारिक संबंध के एक युवक को अपहरण करने की कोशिश के बाद नाकाम हो गई। पीड़ित विशेष राणा ने जानकारी देते हुए बताया कि मैं सीआरपीएफ स्टेनो के पद पर कार्यरत हूं। जब मैं अपनी ड्यूटी कर घर वापस आ रहा था तभी मुझसे पारिवारिक संबंध रखने वाली एक महिला का मेरे पास बार बार फोन आ रहा था कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं अपने गांव जटपुरा थाना डिलारी जैसे ही पहुंचा लगभग रात के 12 बजे महिला मुझे दिखाई दी। उसे देखकर मैंने गाड़ी रोककर कुछ बात करना चाहिए, पीछे से एक गाड़ी मेरी कार के पीछे आकर रुक गई। उसमें पुलिस की वर्दी में बैठे चार व्यक्ति और एक महिला मेरे साथ मारपीट कर मुझे अपनी गाड़ी में डालकर डिलारी थाना क्षेत्र के गाँव बहादुरगंज की ओर ले गए और मेरे साथ मारपीट करने लगे। उसके बाद मुझे वह जसपुर उत्तराखंड की ओर ले गए। वहाँ उनकी गाड़ी अचानक खराब हो गई और वह पुलिस की वर्दी उतारकर सिविल ड्रेस पहन ली। मैंने मौका देखकर वहां से दौड़ लगा दी और जसपुर पुलिस चौकी में इसकी जानकारी दी। वहीं एसपी ग्रामीण विद्यासागर मिश्र ने जानकारी देते हुए बताया कि सीआरपीएफ में कार्यरत विशेष राणा को पारिवारिक संबंध बताने वाली एक महिला ने अपने 5 साथियों के साथ अपहरण की योजना बनाई थी और उसे अपहरण कर ले जाया जा रहा था। जैसे ही इसकी सूचना पुलिस को मिली, पुलिस ने टीम गठित कर यूपी और उत्तराखंड के बॉर्डर से अपहरण की साजिश करने वाली महिला और कार को भी अपने कब्जे में ले लिया है। बाकी महिला के साथी एक महिला और 4 अन्य लोग फरार हैं, उन्हें भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ZTV न्यूज 24 दिलारी मुरादाबाद से संवाददाता अशरफ अली की रिपोर्ट। थाना डिलाई क्षेत्र में घटना घटी थी सर, क्या है पूरा मामला? ये देखिए, विगत रात्रि में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक सीआरपीएफ कर्मी का अपहरण कर कुछ लोग ले गए हैं और उसकी गाड़ी में तोड़फोड़ की। ये यूपी 112 के माध्यम से जैसे सूचना प्राप्त हुई पुलिस सक्रिय हो गई और थानाध्यक्ष दिलारी और उनकी टीम द्वारा सीआरपीएफ कर्मी श्री विशेष राणा थे उनको सकुशल बरामद किया। घटना में प्रयुक्त वाहन भी बरामद हो गया, साथ ही एक अभियुक्त जो घटना में सम्मिलित थी महिला है उसकी भी गिरफ्तारी की जा चुकी है। विस्तृत पूछताछ के बाद पता चला है कि ये जो अभियुक्त है इसके और अपहृत के मध्य पारिवारिक संबंध है। पारिवारिक संबंध के तहत इन्होंने अपने साथियों के साथ ये महिला मिलकर इनके अपहरण की योजना बनाई गई और इनको अपहृत करके ले जाया जा रहा था कि पुलिस टीम द्वारा जो है इनको बरामद कर लिया गया। शेष अभियुक्त मौके से फरार हो गए, बाकी उनके गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। सर गिरफ्तारी कहाँ तक की गई सर? गिरफ्तारी हमारी यूपी और उत्तराखंड के बॉर्डर पर की। कितने व्यक्ति सर फरार हैं इसमें, कितने आरोपी? इसमें भी 5 लोगों की गिरफ्तारी शेष है और उनसे पूछताछ के आधार पर अन्य की कोई जानकारी मिलती है उनकी भी गिरफ्तारी की जाए। कारण क्या है सर? ये इनके मध्य पारिवारिक संबंध है और एक दूसरे को काफी दिनों से जानते हैं, पहचान भी है इनकी। इनका उद्देश्य ये था कि इनको अपहरण करके और इनसे फिरौती वसूली जाए। इनको पता था कि सरकारी नौकरी कर रहे हैं और एक अच्छी फिरौती की राशि से वसूली जा सकती। सर लड़के कितने थे इसमें? सर एक ही अन्य भी लड़के हैं इसके अलावा? इसमें एक महिला का नाम और प्रकाश में आया है जिसको तस्दीक कर दी। क्या नाम आपका? विशेष कुमार जी, क्या घटना घटी आपके साथ? जी कहाँ से आप वापस आ रहे थे? किस चीज़ में ड्यूटी करते हो आप? किस चीज़ में ड्यूटी करते हो आप? जी जी और वहाँ से ड्यूटी कौन लड़की? अंकित नाम थी। जबकि ये हमारे शुरू से रही है, जान पहचान रही है, वैसा कोई और रिलेशन नहीं, लेकिन जान पहचान। क्यों कॉल कर रही थी आपको? पता नहीं क्या मंशा थी इनकी, वो थी तो किडनैपिंग की, एग्जैक्ट लोकेशन निकालने की। कहाँ की अंकिता रहने वाली? ये है सर सीतक। सीतक थाना कौन सा? फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में ये प्लान करके बैठे हुए थे, जैसे ही अंकिता ने हाथ दिया मुझे तो मैंने गाड़ी स्लो की। स्लो करने कौन सी जगह हाथ दिया था? कौन सा जटपुरा स्टैंड? किस समय का टाइम होगा ये? लगभग 12:30 रात का। कितने लोग थे उसके साथ? उस समय कोई नहीं था जी, उस समय कोई नहीं
देखा जैसे हाथी मैंने थोड़ा शीशा डाउन करा, मैंने कहा अंकल तुम कैसे घूम रहे हो सर, तो बोले कुछ नहीं। इतने में सर एक गाड़ी आकर के रुकी पीछे से, जिसमें पांच लोग चार लोग थे, एक उसमें लेडीज थी और जिसने एक सब इंस्पेक्टर की वर्दी पहन रखी थी और दोनों कॉन्स्टेबल की यूपी पुलिस की वर्दी थी। सब इंस्पेक्टर जो है नीचे बुला के उसको बुला करके लोग खोल के मैंने गाड़ी साइड का, बोला इधर आइए। मेरे से जो है बदतमीजी करने लगा और बदतमीजी करके मेरे वहाँ पर थप्पड़ मारा, थप्पड़ मार के मेरे को जो दो कॉन्स्टेबल थे वो पीछे ही मेरी गाड़ी में बैठा लिए मेरे को, और जो जो इंस्पेक्टर थे वो मेरी गाड़ी को चलाने लगे। एक उनमें से बोला कि अरे इधर मत लेकर जाओ, इधर अभी गश्त गई हुई है। तो वो ये नहर का बोल ये गांव है राजपुर के, ये गांव में को निकालते हुए नहर की तरफ लेकर के, और जो गांव पड़ता है एक बहादुरगंज उस साइड में लेकर के जा रहे हैं। उन लोग कितने कितनी संख्या थी, कितने लोग थे वो, दो चार छः? चार सर जेंट्स थे, दो ये लेडीज थी। दूसरी लेडीज कौन थी? दूसरी लेडीज अंकित नाम की भी उसी गाड़ी में बैठ गई। अच्छा, कहाँ ले गए आपको फिर? आपको ये फिर लेके जा रहे थे क्या नाम है बहादुरगंज, बहादुरगंज की साइड, वहाँ इनके तेजी से गाड़ी कटी नहीं, गाड़ी का टायर नाले में जंगल से गए छोटे फिर आप उनके उनके कब्जे से कैसे मुक्त हुए फिर? फिर मेरे को यहाँ इन्होंने मार करके अपनी जो इनकी गाड़ी थी सिलीरियो उसमें डाल दिया, डाल करके ये खेतों के रास्ते निकालते हुए और ये पुलिस चौकी पहुंचे जसपुर। जसपुर पुलिस चौकी होते इन्होंने रॉन्ग साइड लिया, इन्होंने बैरिकेड लगे हुए थे, इन्होंने रॉन्ग साइड गाड़ी ली, पुलिस चौकी से 400 मीटर दूर आगे गाड़ी खड़ी करी और अपनी वर्दियाँ चेंज करके सिविल ड्रेस पहन ली। सिविल ड्रेस पहनने के बाद में इनका जो ड्राइवर था वो गाड़ी स्टार्ट करने, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, इतने में ये बाहर निकल करके आए तो मेरे को मौका मिला, मैं वहाँ से इनके हाथ से छूट करके और मैं पुलिस चौकी में जा करके खड़ा हुआ। तो वहाँ पर एक कॉन्स्टेबल थे, कॉन्स्टेबल ने उन्हें हाँ क्या हुआ, तो इनमें से कोई नहीं गया, तो बीच में से अंकित एक एप्लीकेशन लेकर पहुँच जाती है कि बोला कि आपने बोला कि मेरी एप्लीकेशन लीजिए सर, और मेरे साथ जो है ये क्या नाम है छेड़खानी और मेरे साथ बलात्कार करने की कोशिश की। फिर यहाँ पुलिस ने क्या मदद करी आपकी? जैसे ही यहाँ पता लगा कि जैसे यहाँ पूरी पूरी पुलिस हो इसकी ठाकुरधारा और ये डिलारी मुरादाबाद से पूरे को लखनऊ तक के कॉल उस पर, तो उसमें अपने बॉर्डर वगैरह सील करके तभी ये लोग जो है सर मेन रोड को नहीं लेके गए, ये गांव के गन्नों के रास्ते में को लेकर के टाइम लगने की वजह से इन्हें मैं जिंदा हूँ। देखो टाइम अगर यूपी पुलिस का काम नहीं है टाइम नहीं लगता तो ये मतलब कहने का ये जो यूपी पुलिस की वजह से आप जो इस समय जी